नमस्कार प्राइम ओडिशा सहित तम अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिवा हेडलाइन्स सह हेडलाइन्स इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। 17 जून जाए बढ़िला लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखि 16 दिन अवधि बढ़ाइले राज्य सरकार पूर्वपरि सकाल 7 रु दिन 11टा जाए अत्यावश्यक सामग्री किणवा को अनुमति जारी रहिबो सप्ताहांत लॉकडाउन तीनोटी जिले कोहल है कटक मोदी सरकार द्वितीय पाली पूरला दुई वर्ष सारा देश में बीजेपी पालुची सेवा दिवस ट्वीट करी प्रधानमंत्री को अभिनंदन जनइले बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा गृहमंत्री अमित शाह कहले मोदी नेतृत्व में सफलतार से चलो विकास केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भद्रक बात्या प्रभावित बांटिले खाद्य गाँ गाँव में पहुंची राज्य बीजेपी पालला सेवा दिवस मन की बात कार्यक्रम में बात्या प्रभावित राज्यर लोकों धैर्य को मोदी प्रशंसा कोविड योद्धा को देले श्रेय कहले 100 वर्ष भितर सबुठ बड़ महामारी कोरोना चतुरतार सहित लड़े करुछि पूरा देश धान बिक्री हेला हेले मिलिलानी प्राप्य अकाल चलीगला बाप पुओ दुई चाषी जीवन संबलपुर कुचिंडारु आसला सांघातिक अभियोग प्राप्य मिलते होता बापा चिकित्सा चाषी नेता अभोग पदार पड़ा धान बिक्री असल सत राज्य स्वास्थ्य सेवार आह्वानपूर्ण स्थिति 4953 डाक्तर पदवी खाली भड़ाघरे चली 33 पीएससी लैब टेक्नीशियन एवं विशेषज्ञ डाक्तर घोर अभाव बात्या प्रभावित अंचल आकाश मार्गर अनुध्यान कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धामरारे विपन्नों पाखे पहुंची हाल पचारि बुझिले कहले रास्ता आड़बंध बिजुली भली समस्या स्थायी समाधान पर सहायता देव केन्द्र भारतीय पानीपाग केन्द्र पूर्वानुमान आसंता केरल छुईब मनसून विलंब हेले सप्ताहे मध्य ओडिशा रे पहुंचिबो मौसुमी आसंता 4-5 दिन मध्य बंगोपसगर में लघुचाप सृष्टि होगा संभावना बुलेटिन आरंभ करने दिन सबुठ बड़ खबर सहित राज्य में पुणि बढ़ला लॉकडाउन अवधि 16 दिन पर लॉकडाउन को बढ़ाइले राज्य सरकार जून 17 पर्यंत लॉकडाउन को वृद्धि नहीं घोषणा करिछंती मुख्य शासन सचिव जून 17 सकाल 5टा जाए बलबत्तर रहिब लॉकडाउन कटकणा एहास राज्य में जारी रहिथिबा सप्ताहांत शटडाउन मध्य जारी रहिब तेबे राज्यर 3 जिला पई कटकणा रे किछि कोहळ करिछंती सरकार नुआपड़ा गजपति और सुंदरगढ़ रे सेलून पार्लर मॉल छाड़ी अन्य सब दुकान खुला रहिब ए 3 जिले में सकाल 7 रु दिन गोटाए पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री किणवा पई अनुमति रहिछे यह जिलागुड़िक किसी सप्ताह धरी संक्रमण ह्रास पावर कटकण में कोहल कर सूचना देखते मुख्य शासन सचिव याछड़ा अन्य सबू जिले पूर्व कटका बलबत्तर रकाल 7 रु दिन 11टा पर्यंत अत्यावश्यक सामग्री किणाकिणी करें लोके जेहेतु कोविड संक्रमण बर्तमान विपज्जनक अवस्था अच्छी एवं सारा राज्य रे 10% रु कम तलक जमी आसवा कथा सेम आसीना तेणु राज्य सरकार जो निष्पत्ति नहीं विषय मुझे आपण जन प्रथम निष्पत्ति है जून 1 तारीख सका 5टा बेलू आमर लॉकडाउन द्वितीय लॉकडाउन सर समय थिला वर्तमान राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं 17 जून सका 5टा पर्यंत एक्सटेंड करने अर्थात 16 दिन पाई आम राज्य रे समग्र राज्य रे लॉकडाउन एक्सटेंड करा गला यही 16 दिन लॉकडाउन एक्सटेंशन सहित वीकेंड रे शनिवार एवं रविवार दिन टोटल शटडाउन जो भली होतला से भली शटडाउन रहिबो एवं जहाँ जहाँ रेस्ट्रिक्शन थिला एवं जहाँ जहाँ एग्जम्पशन थिला से सब मध्य कंटिन्यू करिबो जमती बाहाघर एवं अन्य कार्यपाई भोजी इत्यादि कंप्लीटली रेस्ट्रिक्शन थिला केते जाने लोक बाहाघर एवं व्रतघर एवं अन्य कार्य जोग दे पारे तार मध्य नंबर रेस्ट्रिक्शन थिला
से सब कंटिन्यू कर। महामारी समय दुई दुईटी बात्या को मुकाबला करिछि देश। मन की बात रे बात्या प्रभावित राज्यर लोकंक धैर्य को प्रशंसा करिछन्ते प्रधानमंत्री। या सहित करोना योद्धांक मध्य प्रशंसा करिछन्ते। मोदी कहिछन्ति करोना गत 100 वर्ष भितरे सबुठु बड़ महामारी और पूरा देश दृढ़तार सहित लड़ई करुछि। महामारी बेले बात्या सह मुकाबला कोविड समय रे ताउते ओ यस 10 दिन भितरे दुईटी बात्या को सामना करिछि देश। दृढ़तार सह करा जाउछि मुकाबला। मन की बात कार्यक्रम रे देशवासीको धैर्य को प्रशंसा करिछन्ति प्रधानमंत्री। मोदी कहिछन्ति उपयुक्त समय रे उचित पदक्षेप निया जायथिबारु अधिक क्षयक्षति होइ नाही। पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर दो बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूँ। कोरोना गत 100 वर्ष भितरे सबुठ बड़ महामारी। पूरा देश धैर्यर सह कोविड सह लड़े करुछे। कोविड विरोधी संग्राम एते भयावह जे देश जल स्थल और आकाश तीनोटी मार्ग रे मुकाबला करुछे। बड़ विजय पई दृढ़ संकल्पर आवश्यकता रहितबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। निज कथा भूली कोरोना लड़ई रे शामिल योद्धा को प्रणाम करबा सह प्रिय परिजनों को हराइथिबा जनता को प्रति गभीर समवेदना जणाइछन्ति। मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। युद्ध स्तर रे चली ऑक्सीजन जोगाण। द्वितीय लहर रे ऑक्सीजन रो आवश्यकता बढ़ी। ऑक्सीजन जोगाइबा को युद्ध स्तर रे काम चली। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जरिया रे पहुंचा जाउची ऑक्सीजन। देश रे ऑक्सीजन उत्पादन 10 गुना बढ़िबा सह 2500 टेस्टिंग लैब काम करूची। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए देश में इतने प्रयास हुए, इतने लोग जुटे, एक नागरिक के तौर पर ये सारे कार्य प्रेरणा देते हैं। एक टीम बनकर हर किसी ने अपना कर्तव्य निभाया है। साथियों, कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। एनडीए सरकार 7 वर्ष पूर्ण करिछि। मन की बात रे मोदी कहितिले एहि 7 वर्ष भितरे जहां भी होइछि तहा देशवासी को उपलब्धि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। सरकार को त्रुटिपूर्ण धानकिणा नीति जोगु दुई जन चासी को जीवन चली जाइथिबार अभिजोग। एभली अभावनीय घटना घटिछि संबलपुर कुचिंडारे। धान बिक्री पैसा को अपेक्षा करी करी प्रथमे चिकित्साधीन थिबा वृद्ध बापा एवं परे परे पुअर मृत्यु होगला। ए घटना को नहीं चासी महल रे तीव्र असंतोष देखिबा मिली छि। चासी मृत्युर एमिति एक कहानी जहां सुनिले आपण मुंडरे हाथ दे देबे। धान बिक्री हला किंतु टंका मिलिना नाही। टंका को अपेक्षा करी आग बापा एवं परे पुओ चली गले आरपारी। संबलपुर जिला कुचिंडा अंतर्गत भगपड़ा ग्रामर चाषी डिलेश्वर पटेल वृद्धावस्था जोगु एकमात्र पुओ को धान विक्रय पई अधिकृत करथिले। गत डिसेंबर 16 तारिख रे मंडी रे धान बिक्री पई दिया जाइथिला। जनवरी 12 तारिख रे
66.45 क्विंटल धान बिक्री होता हेले प्राप्य पाईपारे ना। डिलेश्वर स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जबारु हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायतिला हेले धान बिक्री टंका आसी नथिबारु चिकित्सा रे विलंब हला। मंडी कर्मचारी एवं धान किणिथिबा संस्थार कर्मचारी पाखरे अभियोग करथिले मध्य केही सुणि नथिले। सेपटे मे 5 तारीख रे चिकित्सा रे विलंब कारणरु डिलेश्वर मृत्यु होइथिला। सुधिक्रिया पई जिलापालंक पाखकु पुओ जायतिले मध्य किछि लाभ होइनथिला। बापंक मृत्युर 10 दिन परे हृदघातरे पुअर भी मृत्यु होगला। मेन कथा हूँ पैसा आज्ञा। चाषी लोक आम धान बिकले जाकर आम सब कम करसुँ जेहेतु हाथ में गोटे पैसा नहीं से केन हिसाब रे चलावा घर के आम जेन धान पैसा देवा कि काम घर को घर करूँ। हाँ आर ये अंचलटा आम चाषी अंचल जदि आम धान टे जदि बिकमा बिकमा दुई पैसा पायमा हेले से आम चलमा से थी चाष थी जदि हमें नहीं हेबा हमें कहीं करमा धान टे नहीं करमा ये करमा हेले जदि एंती जदि सरकार एंती न करवा हेले आर दिन के चाष टोटाली नहीं कर छाड़ी देवे। चाषी नेता कहवा है प्रशासन और राज्य सरकार अवहेला जोगु एभली घटना देखा मिली। चाषी मृत्यु होबार मुख्य कारण है सरकार त्रुटिपूर्ण धान किणा व्यवस्था। से ही अंचल 22 जन चाषी टोकन पाई निजर 1211.62 क्विंटल धान मंडी को बिक्री करने को आनी 638.53 क्विंटल धान बिक्री होता मंडी में पड़ रही 573.09 क्विंटल धान। जिला जोगाण अधिकारी कार्यालय धारणा पर धान बिक्री हेबो बोली निष्पत्ति होइतिला। परे एप्रिल 22 तारीख रे समस्त धान उठिला हेले टंका मिलिला नाही। आमे जेते बेले केनसी आलु किछि आमे नि पैलु आमे निराश हेकरी ह्यूमन राइट कमिशन के आमे जणैछु तांकर साइड रे जदि किछि पदक्षेप नेबे से जेन भी पदक्षेप नेबे आमे स्वागत करमु किंतु आयत हत्यार मामला आ क्षतिपूरण तो आवश्यकता अच्छे आगे जेनटा चाषी मैंने जेनटा डिसाइड करबे 22 चाषी एवं तार सांगे बामरा ब्लॉक अन्य चाषी मैंने जेन चाषी मैंने बामरा ब्लॉक विभिन्न मंडी रे धान फेरे नहीं जाइन से चाषी मैंने कुचिना उपखंड रे जेन चाषी मैंने धान फेरे नहीं जाइन प्राय 44,000 क्विंटल धान से चाषी मैंने गोटे भयंकर गोटे परिस्थिति हेबा। ए घटना को नहीं चाषी महल रे तीव्र असंतोष प्रकाश पाई मृतकों परिवार को तुरंत क्षतिपूरण देवा को दावी होची। संबलपुर कुचिंडारु सौम्यरंजन धलन का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखते प्राइम ओडिशा समय होइछे एक ब्रेक रो ब्रेक रो स्वागत। मोदी का द्वितीय पाली सरकार को पूरिला 2 वर्ष। ए दिवस को बीजेपी सारा देश में सेवा दिवस भाव पालन करुचे। बीजेपी कर्मकर्ता गाँ गाँ पहुंची लोकों पाखे सेवा पहुंचाऊ अवसर में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को जनाई अभिनंदन। गृहमंत्री अमित शाह कहते मोदी नेतृत्व में आम प्रति चैलेंज विजय पाइबु। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में चलता सरकार को आज पूरी 7 वर्ष अर्थात मोदी द्वितीय पाली सरकार 2 वर्ष पूरण कर दिवस को बीजेपी सेवा सप्ताह दिवस भाव पालन करुच्ची। अवसर में भारतीय जनता पार्टी सभापति जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को अभिनंदन जनाई सीरीज ऑफ ट्वीट कर नड्डा लिखिंट सरकार 7 वर्ष पूरण कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हृदय अभिनंदन जनाई एथस एनडीए परिवार को मध्य से अभिनंदन जनाई मोदी नेतृत्व में यह दिवस को सेवा दिवस भाव पालन करवसर में बीजेपी कोटि कोटि कर्मी प्राय 1,00,000 गाँव में सेवा प्रदान करार कार्यक्रम चली सेवा दिवस पालन अवसर में ये हूँ गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट एमित शाह लिखिंट विगत 7 वर्ष धरी देशर जनता मोदी सेवा और समर्पण उपर निरंतर अतुट विश्वास देखा से देशवासी नमस्कार जन से आहुरी लिखिंट मोर पूर्ण विश्वास अच्छी मोदी नेतृत्व में आम प्रति चैलेंज विजय पाइबु एवं भारत विकास यात्रा अनवरत जारी रहिबो। ए दृश्य हूँ भद्रक बीजेपी आज दिन को सेवा दिवस भाव पालन करथुबारु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भद्रक केतेक गाँव में खाद्य बंटन करछंती ट्वीट कर
प्रधानमंत्री मोदी सरकार सात वर्ष पूर्ति अवसर में राज्य बीजेपी द्वारा आयोजित सेवा ही संगठन कार्यक्रम में सामिल हो बात्या प्रभावित लोकों रिलीफ रंधा खाद्य पॉलीथीन एवं अत्यावश्यक सामग्री वितरण कले। आज मुझे गाँव में बुलवाप धामरा कोट जो पंचायत दोसिंगा पंचायत विभिन्न गाँ पड़ा को आमे बुली की देखिलु। केन्द्र रे मोदी सरकार रो सप्तम वर्ष पूर्ति अवसर रे राज्य बीजेपी पालिला सेवा दिवस कटक और भुवनेश्वर रे पालन होची सेवा दिवस। एही अवसर रे विभिन्न जगह रे मास्क बंटन सह बस्ती लोकों को थर्मल स्क्रीनिंग करा जिबा सह खाद्य पुड़िया बंटन करा जायतिला। कोरोना महामारी समय रे घरे घरे जाए लोकों को सेवा करिबा होची वर्तमान दलर उद्देश्य बोली कहा जाउची। महामारी रो स्थिति उत्पन्न हला ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान तार सब कार्य बंद करी एकमात्र कार्य सेवा को ही समर्पित करिछि। मोदी सरकार रो द्वितीय पाली रो द्वितीय वर्ष को सेवा माध्यम रे समर्पित करिछि ओडिसावासी। मोदी सफलतार ये सात वर्ष को मन पक बीजेपी नेता मैंने सारा देश में सेवा कार्यक्रम जारी रखिंट। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आशा प्रवती खबर को आकाश मार्गर बात्या अंचल बुले देखिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान धामरा जाई बात्या प्रभावित को भेटी से दुख पचारि बुझीते या सहित चाषी मान समस्या शुणिते केन्द्रमंत्री परे परे विपन्न मान रधा खाद्य और सुखिला पुड़िया बंटन करते केन्द्रमंत्री सेपटे विपद बेले केन्द्रमंत्री पाखे ढड़ा हो निज खुशी जाहिर करते अंचलवासी। बात्या अंचल धर्मेन्द्र प्रधान आकाश मार्गर देखिले विपन्न समस्या प्रभावित पाखक जा बुझे दुख रंधा और सुखिला खाद्य बांटिले केन्द्रमंत्री जोआड़े देखिले खाली पानी आ पानी। रविवार आकाश मार्गर बात्या प्रभावित अंचल परिदर्शन केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान यश प्रभाव में क्षतिग्रस्त होता जगत सिंहपुर जिलार पारादीप केन्द्रापड़ा जिलार आली और राजनगर भद्रक जिलार बासुदेवपुर चांदबाली एवं धामरा अंचल बुली देखिथिले। आकाश मार्गर स्थिति परखिबा परे धामरा बंदर हेलीपैड में पहुंचे धर्मेन्द्र प्रधान सेठारु दोसिंगा पंचायत संपतिया जागुला पंचायत बलभद्र प्रसाद एवं धामरा ग्राम पंचायत झारखाटी गाँव को प्रत्यक्ष भाव परिदर्शन कर स्थानीय ग्रामवासी आलोचना कर जलमग्न अंचल बुली देखा सह पानी घेर लोकों दुख पचारि बुझिते विशेषकर दोसिंगा पंचायत समस्या नहीं उद्वेग प्रकाश करते केन्द्रमंत्री खुब शीघ्र केन्द्र सरकार पक्षर बात्या प्रभावितों पॉलीथीन रंधा खाद्यर व्यवस्था करा अंचल बिजुली गमनागमन आड़बंद असुविधा दूर होबोली प्रतिश्रुति देइछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान। जो त्वरित समस्या आसी लोक मैंने बात्या और बन्यारे प्रभावित होती तार निदान तुरंत खाद्य सामग्री हो किंबा पॉलीथीन इत्यादि रिलीफ मटेरियल हो रंधा खाद्य हो या को त्वरित तुरंत दबार व्यवस्था आयोजन करा जाउची। ये अंचल रे दीर्घ मियादी स्थायी व्यवस्था हो बिजुली हो आड़ीबंद हो गमनागमन हो ये तो समुद्र उपकूल ये निरंतर भावे नैसर्गिक विपत्तर अंचल रहिबो ही किंतु ता भितरे भी विकास किमती करा जाई परिबो तार योजना प्रत्यक्ष समस्या बेले बुलिकी देखिले अनुभव बढ़ी थाए या को बुझीबा पाई लोकों ठू प्रत्यक्ष शुणा पाई मुझे अंचल को आसी ये अंचल दुख सांगे ये अंचल कष्ट सांगे मुझे निजी को भी सामिल करुच्ची आउ भारत सरकार खराब अवस्था ओडिशा सांगे अच्छे ओडिया लोकों सांगे अच्छे। बात्या प्रभावित अंचल बुलवास लोकों निजे रंधा खाद्य बांटिते लोकों भात डालमा दि जाइला यह सह बुली बुली शुखला खाद्य पुड़िया प्रदान करते प्रशासन कौन तदारख ने आज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र बाबू आसी कहीकि गले आम पाघर जो रही से व्यवस्था किसी सुव्यवस्था करने इच्छा करमरा अंचलवासी कहला
କେହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନଥିଲେ। ବିପଦ ବେଳେ ଆମ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆସିକି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ଏଇ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖିକି ଗଲା ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା। ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ର ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଶଂସା। ୟସ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଖୁସ୍, କିନ୍ତୁ କେତେଦିନ ଆଉ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା, କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର। ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ 6,500 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ନିଜେ SRC କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ 29 ଲକ୍ଷ ଘର ମିଳିଲା କାହାକୁ? କେତେ ଦିନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଓଡ଼ିଶା? କେତେ ଦିନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଗୁହା ହୋଇଯାଉଥିବେ ଲୋକେ? କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେବ ପକ୍କା ଘର? କେବେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବିଜୁଳି ସରବରାହ? ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘର ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ ଖୁସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି କହୁଛି କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ଭୟ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନେଇ ଖୁସି ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନା ପକ୍କା ଘର? ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, BJDର ସ୍ଲୋଗାନର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ୟସ୍। SRCଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ 6,500 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଗୁହା ହୋଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2014ରେ BJDର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଉପରେ। ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର କଥା ବି କହିଲା। 2019 ଯାଇ 21 ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 29,81,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ 6,500 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା କାହିଁକି? ପକ୍କା ଘର ପାଇବାର ଆଧାର କ'ଣ? ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଛି କି ଘର? ଶାସକ ଦଳର ନହେଲେ ଘର ମନା କି? ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ବୋହି ଆଣିବା ସଫଳତା ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଦେବା? ବାତ୍ୟା ପରେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ, ବତାସ ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କାଟ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଖୁସି ହେବା? ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଥିବା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।